Good morning, students. How are you all? The date today is 16th April 2020 and the day is Thursday. And I'm Shivani, taking your social studies, is here with the same chapter, that is chapter number 3, Continents and Ocean, part 2. We already discussed what are continents, and I hope you are watching the videos and doing the assignments which are being uploaded for you all. Let's just quickly recap what we did in our previous video. We discussed we have 7 continents. Hamare 7 continents hai world mein. Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. Jisme se Asia sabse bada continent hai and Australia aapka sabse chota continent hai. We saw that Asia largest continent hai hamara. And we have Mount Everest, जो सबसे ज़्यादा highest mountain peak है जिसकी पूरे world में, वो भी हमारा Asia में है. And Asia is the most populated continent, जिसमें आपके India और China जैसी country भी हैं, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा populated country हैं. फिर हमने discuss किया था Africa के बारे में. Africa second largest continent है and second largest continent in terms of population भी है, यानी population एशिया के बाद जिसमें सबसे ज़्यादा है वो है अफ्रीका. इस ये ऐसा कंटिनेंट है जहाँ से इक्वेटर बिल्कुल सेंटर से पास करता है, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है. एंड वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, जिसका नाम है रिवर नाइल, वो भी अफ्रीका में ही है. एंड द हॉटेस्ट डेजर्ट जो है, एंड लार्जेस्ट भी, सबसे ज़्यादा इस वर्ल्ड की सहारा डेजर्ट है जिसका नाम, वो भी अफ्रीका में ही पाई जाती है. फिर हम आते हैं अपने नॉर्थ अमेरिका में, जो कि थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट है. एंड यहाँ पे हमने पढ़ा था कि नायग्रा फॉल्स हैं, जो कलेक्टिव नेम है एक 3 वाटरफॉल्स का, यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि बहुत फेमस है अपनी ब्यूटी के लिए. एंड उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने का ऐसा सोर्स यूज़ करते हैं. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी जो वाटर से जनरेट होती है. यहाँ पर हमने देखा था माउंट मैकनले करके भी एक आपका माउंटेन है जो यहाँ पे पाया जाता है अलास्का में. ऑल राइट, फिर हमने पढ़ा था साउथ अमेरिका के बारे में, जो आपका साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जिस चीज़ से डिवाइड किया जाता है उसका नाम है इस्मस. एंजल फॉल्स जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल है, वो भी साउथ अमेरिका में ही पाया जाता है. एंड अमेजॉन रिवर जो लार्जेस्ट रिवर है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, हमने पढ़ा था लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ लेंथ कौन सी थी, नाइल रिवर. और वॉल्यूम के टर्म्स में कौन सी है, अमेजॉन. वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट अंटार्कटिका. अंटार्कटिका एक ऐसा कंटिनेंट है जो थ्रू आउट द ईयर पूरे साल पूरा जमा रहता है, फ्रोजन रहता है, और इसी वजह से इसका नाम है वाइट कंटिनेंट. और ये सबसे ज़्यादा ऐसा कंटिनेंट है जहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन है, तकरीबन 5000 के करीब. फिर हमने पढ़ा था यूरोप जो 6th लार्जेस्ट कंटिनेंट है एंड जिसमें करीबन 50 कंट्रीज़ है, जिसमें से एडवांस कंट्रीज़ जो सब आगे है हर चीज़ में, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड बाकी चीज़ों में भी, वो इन 50 कंट्रीज़ में ही आती है. और हमने ये भी देखा था कि रशिया लार्जेस्ट कंट्री है एक यूरोप में. फिर हमने लास्टली देखा था हमारा ऑस्ट्रेलिया है कंटिनेंट, एक सिंगल कंट्री कंटिनेंट है, यानी एक कंट्री भी है एंड इट इज़ आल्सो एन कंटिनेंट. जो हमारा ग्रेट बैरियर रीफ है, यानी कि रीफ यानी मैंने आपको बताया था रॉक्स जो हमें अंडर वाटर मिलते हैं, वो यहाँ पे पाया जाता है. एंड एक डेजर्ट है जिसका नाम है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, वो भी यहाँ पर पाई जाती है. अब हम आगे डिस्कस करेंगे, ये हमारा अर्थ का मॉडल है. ऑल राइट, आप इसमें देख सकते हैं जो जो ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है वो हमारा अर्थ पे है वाटर, जो जो आपको वाइट पार्ट दिख रहा है वो है हमारे अर्थ के आइस एंड क्लाउड्स. एंड जो आप देख सकते हैं ग्रीन एंड थोड़ा सा ब्राउन पार्ट है वो है हमारे अर्थ का लैंड. ऑल राइट, ऑल डिफरेंट बिग एरियाज ऑफ वाटर ऑन अर्थ कैन बी कॉल्ड बॉडीज ऑफ वाटर. हमारी अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज है वाटर की, अलग अलग नामों से जो हमारे अर्थ पे पाई जाती हैं, तो हम वो देखेंगे कौन कौन सी है. सबसे पहले है पॉन्ड. पॉन्ड यानी जिसे हम कहते हैं तालाब. द स्मॉलेस्ट बॉडी ऑफ वाटर वी विल फाइंड इट इज़ अ पॉन्ड. सबसे जो स्मॉलेस्ट बॉडी है हमारे अर्थ पे वो है पॉन्ड, हम अर्थ पे हमारे पाई जाती है. फिर है हमारे रिवर, एक बॉडी स्मॉल बॉडी है जिसमें फ्लोइंग वाटर होता है, एकदम स्टिल नहीं रहता है, वो होती है रिवर. और उसे हम कहते हैं, जिसे कहते हैं नदी, वो भी हमारी यहाँ पे पाई जाती है अर्थ में.
फिर हम देखते हैं लेक्स. लेक्स भी एक वाटर बॉडी है जिसमें वाटर फ्लोइंग नहीं होता, एकदम स्टिल होता है, जिसे हम झील भी कहते हैं. ठीक है, वो भी हमारी अर्थ पे पाई जाती है. फिर हम देखते हैं सी. सी एकदम और भी रिवर्स और लेक से भी बड़ी हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं समुद्र, वो भी हमारी अर्थ पे पाई जाती है. बट हम इन सब से भी सबसे ज़्यादा बड़ी बॉडी कौन सी है वाटर की, सबसे बड़ी बिगेस्ट हम किसे बोलेंगे, दोज आर योर ओशियंस. ठीक है, ओशियंस यानी आपका महासागर जिसे बोलते हैं. तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे इसको. ओशियंस इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर बिटवीन कंटिनेंट्स. जितने हमने कंटिनेंट्स पढ़े अपने 7, उनके बीच में जितना वाटर है वो सारे हमारे ओशियंस हैं. मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ ओशियन. आप देखेंगे जो हमारा पूरा अर्थ है उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारा ओशन से कवर्ड है. हम कह सकते हैं 71% जो है हमारा अर्थ का पार्ट, दैट इज़ कवर्ड विद ओशियंस. उसमें सारा ओशन का पानी है. बट ये जो पानी है वो हम पी नहीं सकते. दिस कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग. वाई? बिकॉज देर इज़ टू मच ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन इट. इस जो ओशंस हैं इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, इसकी वजह से हम ये पानी पी नहीं सकते. आई होप एवरी वन नोज वॉट इज़ सॉल्ट. सबको पता है सॉल्ट क्या होता है. अगर मैं एक ग्लास पानी में सॉल्ट मिला दूँ तो उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्टी वाटर, ऑफ कोर्स. बट वॉट इज़ द वेरी सॉल्टी वाटर दैट इज़ इन द ओशियन कोर? जो हमारे ओशन में सॉल्ट प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे? मैं एक सॉल्ट एक ग्लास में मिला दूँ उसको तो हम सॉल्टी वाटर कहेंगे. बट जो हमारा ओशन है जिसमें सॉल्ट है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बोलते हैं ब्राइन. ऑल राइट, वाटर इन द ओशियंस इज़ ब्राइन. इट्स टू सॉल्टी फॉर अस टू ड्रिंक. हमारे ओशियंस में ब्राइन है जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है ओशन में वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाता है, एंड उसकी वजह से हम उसको पी नहीं सकते. नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट ओशंस विच आर प्रेजेंट इन आर वर्ल्ड. फर्स्ट इज़ द पैसिफिक ओशन, सेकेंड इज़ अटलांटिक ओशन, थर्ड है हमारा इंडियन ओशन, फोर्थ है हमारा सदर्न ओशन, एंड फिफ्थ है हमारा आर्कटिक ओशन. देखेंगे पैसिफिक ओशन में क्या क्या है. Firstly, we'll see Pacific Ocean is the largest and deepest ocean in the world. All right. हमारा जो Pacific Ocean है वो सबसे ज़्यादा largest है and deep, बहुत ज़्यादा deep है पूरे world में. Then it has nearly half of all the world's ocean. जितने भी हमारे world में हमने देखे अभी 5 ocean हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा पानी हमारे अर्थ पे 71% वाटर है. सो 70% का हाफ से भी ज़्यादा हमारे पैसिफिक ओशन में ही प्रेजेंट है. द पैसिफिक वॉज नेम्ड बाय पोर्टुगीज एक्सप्लोरर फर्नांडेज मैगेलन. ठीक है, फर्नांडेज मैगेलन करके एक पोर्टुगीज थे जिन्होंने इसका नाम पैसिफिक ओशन रखा था. ही फाउंडेड दिस वास्ट ओशन टू बी वेरी कॉल्म एंड ही डिस्क्राइब्ड इट एज अ ब्यूटिफुल पीसफुल पैसिफिक ओशन. उन्होंने देखा कि ये कितना ज़्यादा ठहराव है इस ओशंस की लहरों में, इस महासागर में कितनी ठहराव है और कितना सुंदर है, कितना पीसफुल है, इसलिए इसका नाम रखा गया पैसिफिक ओशन. और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एनिमल पाया जाता है वो है आपका ग्रीन सी टर्टल. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अटलांटिक ओशन के बारे में. द अटलांटिक ओशन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन. अटलांटिक ओशन आपका सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है पूरे 5 ओशन हैं उसमें से. इट सेपरेट्स नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका फ्रॉम यूरोप एंड अफ्रीका. जो भी आपका नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है, हमने देखे वो लेफ्ट हैंड साइड पे होते थे, मैंने आपको मैप दिखाया, उसको वो बिल्कुल यूरोप एंड अफ्रीका से सेपरेट कर देता है. दिस ओशन इज़ एस शेप्ड. ये आप देख सकते हैं, पूरा एस नहीं है बट हल्का सा हम देख सकते हैं. इट अफ एस इज़ बीइंग फॉर्म्ड हियर. एक ऐसा शेप बन रहा है. तो जो आपका अटलांटिक ओशन है उसकी शेप क्या है? एस शेप. इट इंक्लूड्स मेडिटेरियन कैरिबियन एंड बाल्टिक सी एंड द गल्फ ऑफ मेक्सिको. तो ये जो आपका ओशन है अटलांटिक ओशन, इसमें आपकी मेडिटेरियन कैरिबियन और बाल्टिक सी है और गल्फ ऑफ मेक्सिको भी है. अब ये गल्फ क्या होता है? गल्फ इज अ डीप इनलेट ऑफ सी ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय लैंड. अ डीप इनलेट यानी बहुत गहरा इनलेट. इनलेट यानी एक कोई भी नदी की कह सकते हो आप, या झील की
एक छोटी सी लहर कह सकते हो आप, ठीक है, जो सी सी के आसपास है एंड पूरे लैंड से सराउंडेड है, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको है, ठीक है, एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको यहाँ हमें बताया गया है सराउंडेड बाय लैंड है, यानी कि यहाँ पे जो जो लैंड है इसके आसपास तीन कंट्रीज से ये घिरा हुआ है गल्फ ऑफ मेक्सिको। कौन सी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द अदर इज योर मेक्सिको एंड थर्ड वन इज योर क्यूबा। तो ये तीनों कंट्री से हमारा गल्फ ऑफ मेक्सिको घिरा हुआ है। ऑल राइट, इन लेट यहाँ लिखा है स्मॉल आर्म ऑफ रिवर और लेक, छोटी सी रिवर और लेक जो बिल्कुल उस लैंड के अराउंड से निकल के जाती है, दैट इज योर गल्फ। एंड यहाँ पे जो एनिमल पाया जाता है वो है स्टार फिश। तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडियन ओशन के बारे में। इंडियन ओशन इज़ दी थर्ड लार्जेस्ट ओशन, ये थर्ड नंबर पे आता है पूरे फाइव ओशंस में से। इट इज़ दी ओनली ओशन विच इज़ नेम्ड आफ्टर अ कंट्री इंडिया। जब हमारी कंट्री बनी थी इंडिया, उसके बाद ही इस ओशन का नाम रखा गया था इंडियन ओशन। इट सेपरेट्स द कंटिनेंट ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों कंटिनेंट्स को इंडियन ओशन सेपरेट कर देता है एक दूसरे से। इट हैज़ सम ऑफ द बिजिएस्ट सी रूट्स ऑफ द वर्ल्ड। सी रूट्स यानी कि जहाँ से आप शिप जाती है, जिस रूट से, और आपका कोई भी सामान है हमारी कंट्री का हम दूसरी कंट्रियों में भिजवाते हैं, ठीक है, सी के जरिए, वाटर के जरिए, तो ओशंस के जरिए, तो उसको बोलते हैं बिजी सी रूट्स। तो सबसे बिजी रूट्स जो है यहाँ पे हमारी इंडियन ओशन से जो निकलता है वो है हमारा एशिया का, ईस्ट एशिया और यूरोप के बीच में, ठीक है। ये दो ऐसे लार्जेस्ट बिजी रूट है जहाँ पे एक्सपो सामान ले जाया जाता है और वहाँ से आता भी है। ऑल राइट, देन दिस ओशन कंप्राइसेस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। अब ये बे ऑफ बंगाल में बे क्या होता है? हमने गल्फ ऑफ मेक्सिको में गल्फ देखा, अब ये बे देखते हैं। बे भी एक तरह का इनलेट है, बट वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है। इनलेट हमने देखा था क्या होता है, स्मॉल आर्म ऑफ रिवर और अ सी, ठीक है, यानी एक छोटी सी सी या रिवर जो होती है वो निकल के जा रही है उसे इनलेट कहते हैं। वहाँ पे थोड़ी छोटी थी, वहाँ पे डीप थी। ऑलराइट, हमने गल्फ में देखा था डीप इनलेट था, बहुत गहरा था, यहाँ पे ब्रॉड होता है। एंड जहाँ पे इसकी सी होती है वो लैंड वहाँ से इनवर्ट कर्व कर जाता है कुछ इस तरह। ये देखो लैंड अंदर की तरफ मूव किया हुआ है, सो द लैंड हियर मूव्स इनवर्ड्स, इट हैज़ अ कर्व इनवर्ड्स, दिस इज नोन एज बे। ऑल राइट, सम इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज ऑफ इंडियन ओशन आर द पर्शियन गल्फ, रेड सी एंड द अंडमान सी। सम जो इम्पॉर्टेंट बॉडीज या वाटर बॉडीज आप कह सकते हो इंडियन ओशन में मिलती हैं, पाई जाती हैं, वो हैं पर्शियन गल्फ, रेड सी और अंडमान सी। और जो मोस्टली एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं वो कौन से हैं? डॉल्फिन्स। नाउ विल सी अबाउट सदर्न ओशन। द सदर्न ओशन कम्प्लीटली सराउंड द कंटिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका विच हैज़ द साउथ पोल एज इट्स सेंटर। ऑल राइट, द सदर्न ओशन है वो बिल्कुल एंटार्क्टिका के पास, आप यहाँ देख सकते हैं एंटार्क्टिका को पूरा सराउंड करता है, विच हैज़ द साउथ पोल एट इट्स सेंटर। हमने देखा है कि हमने देखा था नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, हमने पढ़ा है अपने प्रीवियस चैप्टर में। तो यहाँ पर बिल्कुल साउथ पोल, जहाँ पर आप कह सकते हो साउथ पोल का बिल्कुल सेंटर, बीचों बीच का पार्ट है वो, वहाँ पे आपका ये है सदर्न ओशन। इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट ओशन, ये फोर्थ नंबर पे आता है। अंटिल द मिड 20th century द वाटर्स सराउंडिंग एंटार्क्टिका वर कंसिडर्ड टू बी एक्सटेंशन ऑफ पैसिफिक, इंडियन एंड अटलांटिक ओशन। यानी कि मिड 20th century पे अगर हम बहुत जाएं, अभी 21st century चल रही है, तो हम 20th century पे जाएंगे अगर, तो तब क्या होता था, इस ओशन को हम लोग मानते थे कि यहाँ से आपका पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन और आपका अटलांटिक ओशन से ही पानी आ रहा है, तो उसी के नाम इसको दिए जाते थे। बट बाद में इसका नाम एंटार्क्टिक ओशन पड़ा, कुछ कब पहले इसको एंटार्क्टिक ओशन भी बोला जाता था, बट बाद में जब हमने देखा 2000 में एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इस पे एग्री किया कि इसको हम सदर्न ओशन बोलेंगे। क्यों सदर्न ओशन बोलेंगे? बिकॉज यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो साउथ पोल है बिल्कुल सेंटर पे है, सो इसका नाम हमने एंटार्क्टिक ओशन रखने की बजाय सदर्न ओशन कर दिया। एंड यहाँ पे हम जो एनिमल्स हमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो कौन से हैं?
पेंगुइन्स। अब हम लास्ट अपना ओशन पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्टिक ओशन। द आर्टिक ओशन इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द शैलोएस्ट ऑफ ऑल द फाइव ओशियंस। हमने पढ़ा था कि हमारा पैसिफिक जो ओशन है वो डीपेस्ट है, डीपेस्ट यानी बहुत गहरा, एंड शैलोएस्ट यानी ज़्यादा गहरा नहीं है, मतलब सबसे जो कम गहरा है वो है हमारा आर्टिक ओशन, और ये सबसे छोटा भी है। ठीक है, जो जितने भी पांच हमने पढ़े हैं उसमें से सबसे छोटा ये है। इट इज़ लोकेटेड मोस्टली विद इन द आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल हम मैंने आपको बताया था आपके जब हमने अर्थ वाले मूवमेंट्स चैप्टर पढ़े थे, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, वेयर इट इज़, वहाँ पे आर्टिक सर्कल के पास ये पाया जाता है। एंड आई टोल्ड यू आर्टिक सर्कल में ज़्यादातर ठंड ही रहती है बिकॉज इट्स नियर टू नॉर्थ पोल। It is the northernmost ocean on the earth and the North Pole is located here. ये बिल्कुल ही north side में चला जाता है, and जैसे हमने southern ocean में देखा था कि वहाँ south pole जो है center में पड़ता है वहाँ पर, यहाँ पर north pole बिल्कुल center पर पड़ता है। The ocean is covered with ice throughout the year and it has the lowest salt content amongst all the ocean. यहाँ पर just because ये north पोल के पास ज़्यादा है, यहाँ पे ठंड पूरे टाइम ही रहती है, इसका जो ओशन है बिल्कुल एकदम ठंडा रहता है, आइस बन जाता है, एंड जो सॉल्ट कंटेंट है वो इसमें सबसे कम है। हमने देखा ओशंस में सॉल्ट प्रेजेंट होता है मोस्टली, बट ये वाला जो ओशन है दैट इज़ आर्टिक सर्कल, इसमें सबसे कम सॉल्ट है। एंड एनिमल विच इज़ मोस्टली फाउंड हेयर आर गुलमुलुसा पोलर बेयर। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस फॉर डिस्कशन, प्रैक्टिस क्वेश्चन। What are the seven continents of the world? Which is the largest and smallest continent in the world? ये हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से। Which is the deepest and shallowest ocean in the world? ये अभी जस्ट हमने अभी पढ़ा ये वाला। Which is the largest river in the world in terms of length? And which is the largest river in terms of volume? ये भी अभी हमने पढ़ा। Right? Which ocean is covered with ice throughout the year? All the questions are very easy and I hope you all are doing the assignments which are getting uploaded. Any doubt you have regarding this chapter, aap Zoom app mein jab bhi doubt class hogi, sab attend karenge wo class aur apne doubts zaroor puchhenge regarding any chapter jo abhi tak humne padha hai. Okay? Stay home, stay safe. Thank you.